प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जयंती को पूरे जनपद में भव्यता के साथ मनाया गया, जिसके तहत बेतिया हाता स्थित हनुमान मंदिर में जिला प्रशासन द्वारा वाल्मीकि रामायण पाठ व भजन का आयोजन किया गया। रामायण पाठ कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त जयंत नालिकर तथा जिलाधिकारी केवीएन पांडियन द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और महर्षि वाल्मीकि के चित्र के समक्ष पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करके किया गया। कार्यक्रम के अनुश्रवण के साथ साथ कोविड-19 के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया गया। श्री हनुमान मंदिर बेतियाहाता के रामायण पाठ कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि इस तरह के आयोजन से पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है, साथ ही ऐसे आयोजन में वाल्मीकि कृत रामायण में वर्णित मानव मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों का समाज में एक सकारात्मक प्रभाव होता है तथा जो व्यक्ति समाज एवं राष्ट्रीय मूल्यों के निर्माण में वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शन का आधार है। रामायण पाठ कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा। को जाना चंदन ओम श्याम देवा
अनेकों पुत्र हुए, उन अनेकों पुत्रों को प्राचेतस ही कहा जाता था। उन्हीं अनेकों पुत्रों में से एक पुत्र वाल्मीकि थे। श्री मद रामायण में वाल्मीकि स्वयं को प्राचेतस ही कहते हैं। दक्ष प्रजापति के बाद ही वो प्रजापति पद समाप्त हो गया था, तो दक्ष जो है उसकी संतानें प्रजापति के पद के लायक नहीं रही। नारद ऋषि के मोक्ष शास्त्र और सांख्य के उपदेश के कारण सभी अलग अलग ऋषि मुनि के रूप में परिणत हो गए। उन्हीं में एक रत्नाकर थे जो कुसंग में आ गए, बाद में वाल्मीकि के रूप में रामायण का उन्होंने गान किया। मनुष्य वह वाणी होती है या वह कथन होता है जिसको हम सोच विचार करके कहते हैं। इतने थे ऋषिगण और प्रकृति के ऊपर उनके मुझसे छंदोमय वाणी कह जाते हैं। भगवान वाल्मीकि एक दिन ऐसे ही तमसा नदी के तट पर गए, तमसा नदी के तट पर गए, स्नान इत्यादि करके आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दो पक्षी युगल आपस में प्रेमरत थे। तब तक एक शिकारी ने बाण चला दिया, शिकारी ने, और एक पक्षी मर गया। जो उसकी सहचरी थी पक्षी की, वह क्रंदन करने लगी, रोने लगी, और उसके करुण क्रंदन को देख करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही एक वाणी उत्पन्न हुई। एक श्लोक अचानक मुंह से उत्पन्न हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठा तम गमः शास्वती समः यत क्रौंच मिथुना देवं वधीहि काम मोहितः अयमेक श्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम आसाध्यन करीं दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया पत्नी वाग्विदाम्बरम। नारदं परिप्रच्छन्न वाल्मीकि मुने पुंगवम् ओम तपः स्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम् तस्य वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, और आदि कवि इसलिए कहते हैं कि जो रामायण की रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि है, और ये एक बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए हर वर्ष उनकी वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। और इस बार वाल्मीकि जयंती शासन के निर्देश के क्रम में इसका हर जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, और उसी के क्रम में गोरखपुर जनपद में भी एक प्रयास किया गया है कि हम इस जयंती के माध्यम से उनको एक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जो रामायण जैसे ग्रंथ के रचयिता हैं, हम जो रामायण के माध्यम से जो एक नीति की एक मर्यादा की शिक्षा हिंदू धर्म को मिलती है, उसको हम पुनश्च याद करें और देखें कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन मर्यादाओं का, उन सीखों का कितना पालन कर रहे हैं। पुनश्च आपके माध्यम से मैं वाल्मीकि जयंती में सभी को शुभकामनाएं।